हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज की वैकेंसी जो आई है वो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आई है और ये कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आईटीआई अगर आप कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आईटीआई के अलावा और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो सारी बात आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ में ये भी मैं बताऊँगा कि ऐसा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कितनी यहाँ पर सीटें हैं, सारी बात हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस होकर वीडियो पूरा देखिए। और साथ में मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर कर दूँ, मैं अपने चैनल पे एजुकेशन की हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ में इंजीनियर्स की जो भी वैकेंसीज आती है मैं सारी वैकेंसीज़ की यहाँ पर अपडेट देता हूँ। तो आप वीडियो को हो सके तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आपको भी यहाँ पर आपको अपडेट मिल पाए। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर लिखा हुआ वैकेंसी आई है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में कुछ टाइम लग सकता है, आपके इंटरनेट के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कितना टाइम में इंटरनेट आपका यहाँ पर एक्सेस कर पाता है। तो जैसा देख रहे हैं यहाँ पर PDF डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे, जो मेन पॉइंट मैं आप लोग यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। तो आप लोग जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे पद का नाम है अनारक्षित, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, ये तो आपका कास्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे तकनीशियन विद्युत में ये मैं बताया हूँ आपको वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में 245 अनारक्षित की यहाँ पर सीटें हैं। अन पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 164 है, अनुसूचित जाति के लिए 127 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग होते हैं उनके लिए 60 है। टोटल मैं बात करूं तो 608 यहाँ पे सीटें हैं। और मैं नीचे ले चलता हूं और दिखाता हूं आप लोग को। तो यहाँ पे देख ले, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग की जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर वो लिखा हुआ है, मैं आप लोग को थोड़ा यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट में, यहाँ पर आवेदन के समय अभ्यर्थियों के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में नामांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCBT या SCBT का होना आवश्यक है। आप लोग जानते हैं कि जानते ही हैं कि ITI जो होती है उसकी कोर्स की जो सर्टिफिक वैलिड तब होती है जब वो NCBT से वो एफिलेटेड हो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए आई है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण के लिए है, ओके। और नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आयु है दिनांक 1/1/2020 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और किसके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है एज को लेकर, तो आप लोग यहाँ पढ़ लेंगे इसको, यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया, ओके। और नीचे चलते हैं तो नीचे जो मेन पॉइंट आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, आरक्षण किसको कितना मिल रहा है, यहाँ पे वो सारा डिटेल यहाँ 5वां पॉइंट भी लिखा हुआ था, आप लोग देख लेंगे, ओके। और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने में ये लिखा हुआ 6ठा पॉइंट में कि आवेदन शुल्क क्या क्या लगेगा और वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग भी देख लेंगे। फिर मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ, ओके। और नीचे चलने के बाद मैं यहाँ पर आप लोग को मेन पॉइंट दिखा रहा हूँ जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे थोड़ा और, जी हाँ, यहाँ पे 18 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ जो है वो 1/7/2020 एक तारीख से चालू होने वाली नेक्स्ट मंथ में, और ये 22 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करने की। और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 1/7/2020 से 22 तक है। और भारतीय स्टेट बैंक चलान ऑफलाइन द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 22/7/2020 तक ही डाउनलोड किया जा सकता है, जो कि 1/7/2020 से 24/7/2020 तक है। परीक्षा संभावित अवधि है कि 8/7/2020 का द्वितीय सप्ताह हो सकता है परीक्षा होने की चांसेस यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम बेस्ड यहाँ पे वैकेंसी है, एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम क्या क्या यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ देख लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि समान अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान का प्रश्नों की संख्या 20 होगी, वहाँ पर मार्क्स 20 होगा। समान हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर पे होगा, 15 प्रश्न होगा और 15 मार्क्स होगा, इस तरह आप लोग देख पाएंगे, ओके। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता दिया हूँ क्या क्या आप लोग का चाहिए यहाँ पे एग्ज़ाम में, क्या क्या आप लोग की सब्जेक्ट होगी और कितनी सीटें हैं, कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं
सारे जो मेन डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो जब से अप्लाई होगा तो मैं फिर से आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।